मदरसों में शुरू हुए राष्ट्रगान पर बोली साध्वी निरंजन ज्योति कि आज़ादी की लड़ाई के लिए सभी ने राष्ट्रगान और वंदे मातरम गाकर अपने जान को निछावर किया था, आज राष्ट्रगीत गाने पर इतनी परेशानी क्यों। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर बोली साध्वी। उन्होंने ये कहा कि जात से परेशान क्यों है लोग, जो भी सच्चाई आएगी कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। जज भयभीत पर उन्होंने बोला कि सरकार उसके लिए चिंता कर रही है, उन लोगों को भयभीत नहीं होना चाहिए। अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई तो डर क्यों रहे हैं। वहीं तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंदिर पोन मुडी द्वारा हिंदी भाषा को लेकर विवादित बयान पर बोली कि हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं मगर हिंदी राष्ट्रभाषा है, उसको कोई अपमानित करे ये अच्छा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट IPL। सुनिए ना, आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तब सब राष्ट्रगान और वंदे मातरम कह कर के ही राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, तो आज वंदे मातरम राष्ट्रगीत गाने में परेशानी क्यों हो रही भाई। जिस देश में रहते उस देश के गुणगान तो गाना ही पड़ेगा और गाना भी चाहिए, उसमें विरोध क्यों भाई, क्यों विरोध भाई। जिस देश में रह रहे हो, जिस देश की रोटी खा रहे हो, जो तुम्हें संरक्षण दे, उस देश के गीत गाने में परेशानी क्यों है। मैं उस पर वही जवाब दूंगी, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आप सुनिए, आप एक बात बता दें, जांच करने से परेशान क्यों हो रहे हैं कुछ लोग। जांचें तो हो रही है, अब वो सबके सामने होगी, मीडिया के सामने होगी, कोई अकेले नहीं होगी, जो भी होगा सच्चाई आएगी, कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखिए मैं तो इतना मानती हूँ कि सरकार उसके लिए चिंता कर रही है, सरकार की जिम्मेदारी है, बकाया उन लोगों को भयभीत नहीं होना चाहिए। यदि मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई तो डर क्यों रहे वो भाई।